हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केन्स का मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप देख रहे हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड जे एम केन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए ट्रीटाइज ऑन मनी में मुद्रा तथा कीमतों के संबंध में एक वास्तविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस सिद्धांत को सुधरा हुआ मुद्रा परिमाण सिद्धांत या रीफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहा जाता है। और इस सिद्धांत में प्रोफेसर केन्स ने मुद्रा उत्पादन तथा कीमतों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार कि मुद्रा की परिमाण में परिवर्तन होने पर कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। केन्स ने माना कि मुद्रा की पूर्ति में या परिमाण में परिवर्तन होने पर सबसे पहले ब्याज की दर में परिवर्तन होता है। ब्याज की दर में परिवर्तन होने से निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने पर आय, उत्पादन की लागत आदि प्रभावित होती है और इन सब में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। और जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर उत्पादन नहीं बढ़ पाता है और इस प्रकार से कीमत बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है और उस वजह से कीमत स्तर में आनुपातिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से केन्स ने मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का कीमत स्तर पर अप्रत्यक्ष प्रभाव बताया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। सबसे पहला उद्देश्य है लेन देन या सौदा उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है वो विनिमय का माध्यम है। हम लोग सब जानते हैं कि व्यक्ति को आय तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात प्राप्त होती है, लेकिन उनको व्यय प्रतिदिन या हमेशा नियमित रूप से करना पड़ता है। तो इस अंतराल को भरने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति अपनी आय का एक भाग हमेशा नगद रूप में रखता है। इसे सौदा उद्देश्य या लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। और यह है कितना भाग रखेगा अपनी आय का, ये बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे आय प्राप्त करने की अवधि, भुगतानों की व्यवस्था, साख का उपयोग आदि सब तत्व इस मांग को प्रभावित करते हैं। दूसरा है सतर्कता उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ अप्रत्याशित भावी संकट आ सकते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बीमारी आ सकती है, तो इन अप्रत्याशित संकटों से अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति अपनी आय का एक भाग नगद रूप में रखता है, जिसे सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। और मुद्रा की यह मांग भी आय स्तर पर निर्भर है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ेगी इस उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी। तो लेन देन और सौदा उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है और सतर्कता उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है। और जो तीसरी उन्होंने मांग बताई है वो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। इसके अंतर्गत ब्याज की दर से इसका गहरा संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति भावी अनुमान लगाकर अपने आप को लाभ प्राप्त करना चाहता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति बॉन्ड भी खरीद सकता है और यदि बॉन्ड नहीं खरीदता है तो मुद्रा का संचय करने पर उन्हें ब्याज की हानि होती है। तो साधारणतया लोग ब्याज की दर बढ़ने पर बॉन्ड खरीदते हैं और ब्याज की दर कम होने पर निष्क्रिय रूप से मुद्रा को अपने पास रखते हैं। इस प्रकार से सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर से विपरीत रूप से संबंधित है, अर्थात ब्याज की दर अधिक होने पर सट्टा उद्देश्य के लिए
मुद्रा की मांग कम होती है। तो ये तीन उद्देश्य हैं जिसके लिए उन्होंने मुद्रा की मांग को बताया है। समझ में आया? सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य, इन दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है। और कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष, अर्थात आय बढ़ने पर इन उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। दूसरा, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। और इन दोनों के मध्य कैसा संबंध है? विपरीत, अर्थात ब्याज की दर बढ़ने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। तो नीचे हमने इक्वेशन में दिखाया है, एम डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, वाई का मतलब आय का स्तर, प्लस फंक्शन ऑफ आई, आई का मतलब है ब्याज की दर। तो मुद्रा की दोनों की कुल मांग है वो आय के स्तर और ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अब प्रोफेसर केन्स ने ये बताया है कि मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग स्थिर रहने पर क्या होगा? ब्याज की दर में गिरावट आएगी। ब्याज की दर गिरने पर निवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्याज और निवेश की मात्रा में विपरीत संबंध है। निवेश बढ़ने पर समग्र व्यय बढ़ जाएगा और समग्र व्यय बढ़ने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और कुछ हद तक कीमतें भी बढ़ जाएगी। उन्होंने इसी चीज़ को रेखाचित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया है। ये LP है, लिक्विडिटी प्रिफ्रेंस, जो कि मुद्रा की मांग को अभिव्यक्त करता है। नीचे हम मुद्रा की मांग को दिखा रहे हैं x एक्सिस पर, और y एक्स पर हम लोग ब्याज की दर को बता रहे हैं। एम जीरो है वो मुद्रा की सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति को बता रहा है। चूँकि मुद्रा की पूर्ति ब्याज की दर से स्वतंत्र होती है, इसलिए एक ये सीधी रेखा के रूप में अवस्थित है। ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होगा? जहाँ मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसा कि ये स्पष्ट है कि ई जीरो पर ये दोनों काट रहे हैं, इसलिए ब्याज की दर OR0 निर्धारित हो जाएगी। अब मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर मुद्रा का M0 से शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? M1। नया साम्य बिंदु कहाँ है? E1 बिंदु पर, जहाँ मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग काट रही है। आप लोग देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर ब्याज की दर R0 से कम होकर कितनी हो गई? R1। दूसरे डायग्राम में हमने ये बताया है कि ब्याज की दर कम होने पर निवेश की मात्रा बढ़ गई। ये ME है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूंजी की सीमांत दक्षता। तो पहले R0 जब थी ब्याज की दर, तो निवेश कितना था? OI0। ब्याज की दर कम होने पर निवेश बढ़कर OI1 हो गया है, अर्थात समग्र व्यय बढ़ गया है। अब हम लोग तीसरे डायग्राम में, इस डायग्राम में बताते हैं कि इधर वाई एक्सिस पर वांछित व्यय है, नीचे राष्ट्रीय आय। AE0 ये बता रहा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कुल व्यय। तो पहले संतुलन कौन से बिंदु पर है? E0 पर। AE0 एग्रीगेट डिमांड है और AEY क्या चीज़ है? एग्रीगेट सप्लाई। संतुलन किस बिंदु पर होगा? E0 बिंदु पर होगा। राष्ट्रीय आय कितनी होगी? OY0। अब जब निवेश बढ़ जाता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर A0 से बढ़कर कितना हो गया? AE1। अब नया साम्य बिंदु कहाँ है? E1। आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय OY0 से बढ़कर OY1 हो गई है। अब इसी चीज़ को हमने एक रेखाचित्र के द्वारा और दिखाया है। इधर हमने OYX पर कीमत स्तर को दिखाया है, इधर राष्ट्रीय आय को दिखाया है। आप देखिए, पहले AD0 एग्रीगेट डिमांड है और SRS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर है, अर्थात जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड क्या बताती है? कीमतें बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। पहले संतुलन कौन से बिंदु पर है? ई बिंदु पर। इस बिंदु पर है प्राइसेज OP0 है। अब मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो नया संतुलन कहाँ होगा? E2 बिंदु पर। आप लोग देखते हैं कि इस बिंदु पर कुछ हद तक राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है और कुछ हद तक प्राइसेज भी बढ़ गई है। यदि प्राइसेज नहीं बढ़ती तब राष्ट्रीय आय OY1 हो सकती थी, लेकिन SRS है वो कैसा है? बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ है, तो इसलिए कुछ हद तक कीमतें बढ़ गई है और कुछ हद तक उत्पादन बढ़ गया है।
तो इसमें हम लोग देख पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर सबसे पहले ब्याज की दर कम होती है, ब्याज की दर कम होने पर निवेश बढ़ जाता है अर्थात एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर कुछ हद तक कीमतें बढ़ जाती है और कुछ हद तक राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। और यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर उत्पादन में बढ़ाया वृद्धि करना संभव नहीं होगा, तो उसी अनुपात में क्या होगी? कीमतें बढ़ जाएगी। तो पूरा प्रोफेसर प्रिंस के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन होने पर कीमत स्तर प्रभावित होता है और कितना प्रभावित होता है। तो बच्चों ये हम लोगों ने इसका देखा है। कल हम लोग इस सिद्धांत की आलोचना वगैरह भी देखेंगे और श्रेष्ठता भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये दूसरे सिद्धांतों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। धन्यवाद।